सो है व्हाट्सअप गाइस, दिस इज माय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वाला वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को लाइटरूम का प्रीसेट का यूज करना सिखाने वाला हूँ। ओके, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि आप लोग लाइटरूम का एक सिंपल प्रीसेट को कैसे यूज कर सकते हैं एंड कैसे प्रीसेट का यूज करके एक प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। ओके, सो वाला वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, आप लोगों को प्रीसेट का सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। ओके, तो वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देखने के लिए, एंड मुझे इंस्टा पर भी जाकर फॉलो कर लेना। इंस्टा का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो चलिए वीडियो के आप स्टार्ट कर लेते हैं। यूज कर सकते हो तो प्रीसेट का यूज करने के लिए आप लोगों लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओके, एंड ऑल फोटो के अंदर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आप लोगों ऐड फोटो के अंदर क्लिक करके फोटो को ऐड कर लेना। सो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं दो फोटो को ऐड करके रख दिया हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसी भी फोटो को एक ओपन कर लेता हूँ। ओके, ओपन करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले जाना है प्रोफाइल्स के अंदर, यानी कि सारा प्रीसेट को आप लोगों को ऐड कर लेना है लाइटरूम ऐप के अंदर। तो प्रोफाइल्स के अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा 3 डॉट का आइकन, इसके ऊपर आप लोग टैप कर लेना है। टैप करने के बाद आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा इनपुट प्रोफाइल्स। ओके, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना है, एंड ऐप आप लोग को देखने को मिल जाएगा 12xmp प्रीसेट। ओके, ये वाला फोल्डर के अंदर आप लोग क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप लोग सारा फोल्डर को आप लोग यानी कि सारा ऐप पे प्रीसेट को ऐड कर लेना है लाइटरूम ऐप के अंदर। सारा प्रीसेट को एक साथ ऐड करने के लिए आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 3 डॉट का आइकन, इसके ऊपर आप लोग को टैप कर लेना है। ओके, टैप करने के बाद यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा सिलेक्ट ऑल, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को सिलेक्ट के अंदर क्लिक कर लेना, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं सारा प्रीसेट हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब आप लोग को प्रीसेट का फाइल को ओपन कर लेना। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा प्रीसेट का फाइल, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा इवर्स, इसके ऊपर आप लोग फिर से क्लिक कर लेना। ओके, एंड इवर्स के अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा 12xmp प्रीसेट। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा टॉप 12xmp प्रीसेट बाय इमरान एडिट, इसको आप लोग क्लिक कर लेना, ठीक है। और वहाँ पे सारा प्रीसेट मेरा सिलेक्ट नहीं हुआ तो इसलिए सारा प्रीसेट यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, तो वहाँ पे आप लोगों को सारा प्रीसेट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को सिलेक्ट ऑल करना है। ओके, एंड यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक एक प्रीसेट का आप लोगों को अप्लाई करके दिखा देता हूँ। मैं सिर्फ एक क्लिक करूँगा एंड कुछ इस टाइप के एडिटिंग हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग कुछ इस टाइप का एडिटिंग कर सकते हो बहुत ईजी स्टेप के अंदर। सिर्फ आप लोग एक क्लिक करोगे एंड आप लोगों का फोटो एडिटिंग होने वाला है कंप्लीट एडिटिंग, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आप लोग एडिटिंग वगैरह कर सकते हो प्रीसेट का यूज करके, ठीक है। मान लो मैं ये वाला प्रीसेट को अप्लाई कर लिया, एंड ये वाला प्रीसेट को अप्लाई करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हेयर के साइड में इफेक्ट आ चुका है, शर्ट के अंदर भी इफेक्ट आ चुका है। ओके, ये वाला इफेक्ट मतलब फोटो के अंदर मैच नहीं हो रहा है, तो इसको आप लोगों को फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के लिए आप लोगों को जाना है मिक्स टूल के अंदर, ठीक है। मिक्स टूल के अंदर आने के बाद आप लोग ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेना, ब्लू कलर का सैचुरेशन को माइनस करना है। अब आप लोग इसका भी आप लोगों को सैचुरेशन को माइनस करना है। ओके, सो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा मैनुअल तरीके से एडिटिंग कर पाओगे। ओके, अब मैं यहाँ पे डन कर लेता हूँ, एंड विगनेट वगैरह भी आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे विगनेट ऐप कर ऐड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, और भी ज़्यादा फोटो प्रोफेशनल टाइप यहाँ पे लग चुका है। सो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा मैनुअली भी एडिटिंग कर पाओगे। ओके, यहाँ पे आप लोग ये वाला एडिटिंग कर पाओगे, एंड ये वाला एडिटिंग कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को फोटो को सेव करना भी पड़ेगा। सेव करने के लिए हेयर वाला टूल के अंदर क्लिक करके आप लोगों को सेव टू डिवाइस के अंदर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना गैलरी के अंदर। ओके, सो गाइस, आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखा दिया कैसे आप लोग प्रीसेट का यूज करना है, एंड प्रीसेट का यूज करने के बाद आप लोगों को मैनुअल तरीके से कैसे एक प्रोफेशनल लुक देना है। सारे स्टेप ये वाला वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। यानी कि आप लोग प्रीसेट का यूज करके एक प्रोफेशनल लेवल तक फोटो एडिटिंग करना सिखा दिया, ठीक है। सो गाइस, ये वाला वीडियो आप लोग कैसे लगे कमेंट करके जरूर बता देना, एंड आज का वीडियो इतना ही था। मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।